जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि जो फॉरेन की एक्सचेंजेस हैं वो नॉन FIUI कंप्लायंट ग्लोबल एक्सचेंजेस में आ रही थी, यानी कि वो इंडियन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही थी, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लग रहे थे, TDS नहीं लग रहा था, रेगुलेशंस को फॉलो ना करने की वजह से उनको बैन किया गया था। लेकिन अभी एक सबसे पहली एक्सचेंज आई है क्यूकॉइन के नाम से जिन्होंने पहला स्टेप उठाया, यानी कि पहली ऐसी एक्सचेंज है जिन्होंने FIUI को कंप्लाई किया है, यानी कि इनकी रेगुलेशंस को फॉलो किया है जो हमारी इंडिया की रेगुलेशंस रहती हैं। अब रेगुलेशंस का यहाँ पे मतलब बहुत ही गहरा है, बात सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ पे आपको TDS भी देना पड़ सकता है या फिर टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है कि अगर आप क्यूकॉइन के ऊपर अपने एसेट्स को रखते हो, क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक फायदा तो होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर क्यूकॉइन काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डेटा किसके पास जाने वाला है, आपका डाटा जाएगा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास कि आपने कितने में कौन सी बाइंग करी, कितना प्रॉफिट निकाला, आपने कितना कितना ट्रेड किया, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, कितना लेवरेज लगाया, हर एक चीज़ की डिटेल्स जाने वाली है गवर्नमेंट के पास। तो आप यहाँ पे पैसा निकालोगे, अगर क्यूकॉइन से निकालोगे या फिर क्यूकॉइन के ऊपर डालोगे, तो उसका भी आपको पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचने वाली है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इस वक्त आने वाली है। तो यहाँ पे जो कॉइन DCX एक्सचेंज के जो CEO हैं, उनका कहना तो ये है कि हाँ ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, FIUI कंप्लायंट प्लेयर्स ही होने चाहिए इंडिया में, क्योंकि बाकी जो है वो बैड एक्टर्स हैं, यानी कि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बोली कि TDS देने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, और हमारी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं रह जाती, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। यहाँ पे हमें जो प्राइवेसी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलनी चाहिए, वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे हम बात ये भी कुछ करेंगे कि कौन सा एक्सचेंज अभी बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि अगर हमने TDS पे करना ही है तो हम WazirX जैसा एक्सचेंज भी यूज कर सकते थे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे आप क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है, तो अभी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले अभी बिटकॉइन के बारे में, आप देख सकते हैं $65,000 के आसपास आके यहाँ पे स्टेबल हो चुका है बिटकॉइन, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे अगर जो पैसा बिटकॉइन में नहीं आ रहा है वो ऑल्टकॉइन्स में जाने वाला है, तो ऑल्टकॉइन्स डेफिनेटली अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देने वाले। यही कारण है कि लास्ट कुछ दिनों में आपको मैं एक्सचेंज कॉइन्स भी बता रहा था कि एक्सचेंज कॉइन्स को आप बाय कीजिए या फिर AI कॉइन्स को बाय कीजिए, जिनका ट्रेंड चल रहा है वही कॉइन्स हमें अभी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। लेकिन अगर जो मेन मुद्दे की बात करें वो यही है कि आपको बताया मैंने कि क्यूकॉइन अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर यहाँ पे कंप्लायंस ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान भी हमारा होने वाला है। थोड़ा बहुत फायदा भी होगा कि एक्सचेंज यहाँ पे अगर कंप्लाई कर रही है तो इससे हमारा जो पैसा है वो थोड़ा सिक्योर रहता है, लेकिन यहाँ पे टोटली सेंट्रलाइजेशन आ जाती है। पहले तो क्या था कि सेंट्रलाइजेशन थी लेकिन गवर्नमेंट इंडिया की इन्वॉल्व नहीं थी, अब इंडियन गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होगी तो हमें TDS भी देना पड़ेगा, टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। हमेशा की तरह आपको बात यही बोलता हूँ कि TDS यहाँ काटने का इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि TDS आपको काट के TDS आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा जब आप टैक्सेस पे करोगे, लेकिन इससे क्या है कि आपकी ट्रैकिंग चलती है कि आप कौन कौन सा कॉइन बाय कर रहे हो या फिर कहाँ से कॉइन ला रहे हो। और ये चीज़ मैंने आपको पहले WazirX के ऊपर भी दिखाई थी कि अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी एक्सचेंज से ट्रांसफर किया जा रहा है, और एक्सचेंज को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने WazirX अकाउंट के ऊपर कि किस एक्सचेंज से अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है या किसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो आपका जो भी अमाउंट एक बार निकलेगा वो हमेशा ट्रैक होता रहेगा कि उसके बाद कौन से एड्रेस पे गया और वो एड्रेस कौन से वॉलेट का या फिर कौन से एक्सचेंज का है। बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको क्यूकॉइन के ऊपर भी मिलने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि अगर ऐसा ही रहने वाला है तो डेफिनेटली हम WazirX जैसी, कॉइन DCX जैसी या फिर कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें TDS पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन पूरी खत्म करी जा रही है, प्राइवेसी खत्म करी जा रही है, तो डेफिनेटली हम इंडियन एक्सचेंज ही यूज करेंगे। तो करंटली अगर हम अल्टरनेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे काफी सारी एक्सचेंजेस आ जाती हैं, बाहर की एक्सचेंजेस भी आ जाती हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट दी थी कि जिसमें काफी सारे एक्सचेंज कॉइन्स की हमने बात करी थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लिस्ट देखें तो Binance से शुरू होता है Coinbase, Bybit, TokenX, लेकिन यहाँ पे जो मेजर एक्सचेंजेस हैं इवन MEXC, BitGet, HTX, ये सारी की सारी एक ऐसी लिस्ट में आ चुकी हैं कि जो FIUI कंप्लायंट नहीं थी और इनको कंप्लाई करना पड़ेगा तभी ये इंडिया में काम कर पाएंगी। तो आज नहीं तो कल ये कंप्लाई भी करेंगी और उससे हमारा फायदा थोड़ा बहुत होगा लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चाहे हम पैसे की बात करें चाहे हम प्राइवेसी की बात करें। तो इसी का आपको सोल्यूशन हमेशा एक ही बताता आ रहा हूँ कि अच्छा एक्सचेंज चूज करो जो लिस्ट में नहीं आया। तो लास्ट में भी आपको बताया था कि आप बिटमार्ट यूज़ कर सकते हो, एंड डेफिनेटली उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ गिव अवे भी करते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
तो अभी हमने $10 का गिव अवे किया था, वो भी हो चुका है। अभी नेक्स्ट कैंपेन आने वाला है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो भी होने वाला है, जो भी कैंपेन आएगा जिसमें भी एयर ड्रॉप आपको दिया जाएगा, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर। तो लास्ट जो कैंपेन्स थी वो भी आप चेक कर सकते हैं जो ऑलरेडी पेमेंट्स हो चुकी हैं। तो रिवॉर्ड उनको मिल गया, लेकिन अगर आप भी रिवॉर्ड्स लेना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम बिटमार्ट को ही यूज करें और वहां पे आप साइन अप अभी कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर आपको देखने वाला है। लेकिन आप कौन सा एक्सचेंज यूज कर रहे हैं अभी और क्या आप TDS पे कर रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।